मुसलमान थे सारे, हम आज भी हिंदू है, कल भी हिंदू है, पत्थर सुनर से भी हिंदू, हमारे बाप दादा सदियों पे सब हिंदू है। मोदी बनाएगा बनेंगे, मोदी बेफूक बनेगा हम बेफूक बनेंगे, हम बेफूक बनने वाले नहीं है। ये मंदिर और मस्जिद की लड़ाई लड़ता है, मुसलमान अपनी लड़ेगा और मोदी अमित शाह अपनी लड़ाई अपना चंदा बनाने के लिए बना रहा, क्योंकि वे राहुल गांधी आने वाला है और मैं भागने वाला हूँ झोला झंडा लेके, तो पड़े के तू जलवा रहा। आज ये जो हरियाणा में करा किसने करा, शोभा यात्रा किसने निकाली थी, मुसलमान ने निकाली थी शोभा यात्रा, वो तो उसका वो क्या कहते हो मोहरम, उससे अपने सुख शांति से निकल गई और शोभा यात्रा निकल के आग भड़काई आपने, तुमने उधर तो वो अपनी अपनी चुपचाप निकल गई और तुम्हारी होगी तो राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए तुमने जानबूझ के आग लगवाई। उज्ज्वला का सिलेंडर मिल रहा है, अच्छा कितने बंदे को मिला, मेरे को सर्वे करके गिनती बताए कितने करोड़ जनता और तो है, 6 करोड़ लोगों को बोल रहे हैं, 6 करोड़ को मिला, 6 करोड़ का उसके पास साबित टिकट है, 6 करोड़ का रजिस्टर है, इसने अपने बंदे को दिया खाली, कोई आम जनता को किसी को नहीं दिया, हमको तो नहीं मिला योजना। शौचालय भी तो बनवा दिए, शौचालय की हमको घर ही नहीं मकान नहीं, हम तो किरायेदार है, तो किरायेदार को क्या दिया, हमारे तो ऊपर से वोट लेगा, हमारे घर में 4 वोट है, गांधी देश की हमारी बहू है, बूढ़े लोगों के लिए तो बहू है और मेरे छोटे लोग के लिए तो हम छोटी उम्र वाले के तो मेरी भाभी है, वो मेरी भाभी माँ है, जैसे इंदिरा गांधी माँ थी ना तो ये भी भाभी माँ है, तो इसने तो देश के लिए बहुत अच्छा काम करा जो सोनिया गांधी ने काम करा। अम्मा जैसे कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, सांसद भी नहीं है, सोनिया गांधी राहुल गांधी पे जांच चल रही है और प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि ये सब भ्रष्टाचारी परिवार के लोग हैं, करप्शन करते हैं, क्या कहना है आपका? मोदी झूठ बोल रहा, मोदी हर प्रकार से झूठ बोल रहा, जो गुजरात का केस भी इसने मिली भगत होकर बनाया जो सूरत वालों ने, ये बता रहा ना कि मैं बहुत बड़ा भगवान बन गया जनता को ठग के, मैं 15-15 लाख की लालच दिखा के, तो ये अपना समझता है ना, ये भूल जाए सपना दिखाना और सपना दुनिया को दिखाना भूल जाए और सपना देखना भी भूल जाए, ये कोई बात आ जाती ना तो कहते मैं झोली झंडा लेके चला जाऊंगा, मैं तो भिखारी मांगने खाने वाला हूँ, तो तू मांगने खाने वाले परिवार से है, तेरी बुनियादी मांगने खाने वाले की परिवार से है, जो ये तुम मंदिर बना रहे मस्जिद से लड़े बनिया मारवाड़ी सब लड़े, वो मंदिर तुमने बनाया मांगने खाने के लिए बनाया तुमने हमारी जनता को, लेकिन मंदिर तो वो बोल रहे हैं ना कि सारे हिंदू लोग वहाँ पे दर्शन करेंगे तो फायदा, सारे हिंदू क्या मुसलमान थे, हम मुसलमान थे सारे, हम आज भी हिंदू है, कल भी हिंदू है, पत्थर सुनर से भी हिंदू, हमारे बाप दादा सदियों पे सब हिंदू है, मोदी बनाएगा और बनेंगे, मोदी बेफूक बनेगा हम बेफूक बनेंगे, हम बेफूक बनने वाले नहीं है। ये मंदिर और मस्जिद की लड़ाई लड़ता है, मुसलमान अपनी लड़ेगा और मोदी अमित शाह अपनी लड़ाई अपना चंदा बनाने के लिए बना रहा, इसके ऊपर आएगा चंदा, फालतू बोलना मत है दल्ला, दल्ला मेरे सामने बोलिए मत, बड़वा भरवत खाइए, हाँ बड़वा भरवत गाली गाली नहीं, जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ बोलिए मत, मोदी का एजेंट। अच्छा ये मैं पूछ रहा था कि हाँ। जैसे अभी मत करिए, मणिपुर में हिंसा हो रही है, हाँ। संसद में प्रधानमंत्री मतलब भाजपा की तरफ से, प्रधानमंत्री नहीं भाजपा की तरफ से ये कहा गया है कि जो परेशानियाँ हैं कांग्रेस की देन है, नेहरू ने जब विलय कराया तो कई सारी चीज़ें छोड़ दी जिसकी वजह से आज मणिपुर लगातार जल रहा है। जानबूझ के तू जलवा रहा, मोदी ओ जवाहरलाल का नाम बदनाम करने का तू जानबूझ के जलवा रहा, मोदी को जो के राहुल गांधी आने वाला है और मैं भागने वाला हूँ झोला झंडा लेके, तो पड़े के तू जलवा रहा। आज ये जो हरियाणा में करा किसने करा, शोभा यात्रा किसने निकाली थी, मुसलमान ने निकाली थी शोभा यात्रा, वो तो उसका वो क्या कहते हो मोहरम, उससे अपने सुख शांति से निकल गई और शोभा यात्रा निकल के आग भड़काई आपने, तुमने उधर तो वो अपनी अपनी चुपचाप निकल गई और तुम्हारी होगी तो राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए तुमने जानबूझ के आग लगवाएगी और नाम किसका पड़ेगा, कांग्रेस का, कांग्रेस का, देखो हमने उसकी शोभा यात्रा तो शांति से निकल गई और मेरी उसमें आग लगवाई और तुम जानबूझ के आग लगवा के आज हरियाणा जल रहा, आज हरियाणा जल रहा, ये किसकी विचारधारा है, किसकी विचारधारा से हरियाणा जल रहा भाई, कम से कम 5,000 कितना 590 के 300 तो गाड़ियों जल गई, 90 के 100-200 गाड़ियों जल गई, लोगों 103 गाड़ियों और 103 गाड़ियों का नुकसान कितना हुआ हरियाणा वाले को, और तुम जानबूझ के तुम आग की तिल्ली डाल देंगे, कहीं गाली देंगे, कहीं गले देंगे, कोई पत्थर मारेंगे, कुछ करेंगे, जब वो अपने अपने सौदे आते हैं सुख साल से जाना चाहिए तो जाना चाहिए, इसके साथ पुलिस भी तो होनी चाहिए ना, पुलिस कहाँ गई थी,
पुलिस कहाँ आ गई थी और पुलिस कहाँ आ गई थी और पुलिस का भी चक्कर है, उसमें पुलिस क्यों नहीं थी भाई शोभा यात्रा में? भाई हमको पता कि मुसलमान इलाका है, हमको पता है मुसलमान का, उसने जानबूझ के करा कि यहाँ दंगा फसाद हो गए तो यहाँ नाम बदनाम किसी का भी होगा। आप मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी को आप कह रहे हैं कि देश को बर्बाद कर दिया, लेकिन उनका ये कहना है कि उनके साथ देश की तमाम महिलाएं हैं जिनको फ्री में उज्ज्वला का सिलेंडर मिला, 2000 रुपये, वृद्धा, आप खुद वृद्ध हैं, वृद्धा पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं, तो फिर आप इतना खिलाफ क्यों हैं प्रधानमंत्री? आप क्यों खिलाफ है? उज्ज्वला का सिलेंडर मिल रहा है, अच्छा बंदे को मिला, मेरे को सर्वे करके गिनती बता है कितने करोड़ जनता और तो है, 6 करोड़ लोगों को बोल रहे हैं, 6 करोड़ को मिला, 6 करोड़ का उसके पास साबित टिकट है, 6 करोड़ का रजिस्टर है, इसने अपने बंदे को दिया, खाली कोई आम जनता को किसी को नहीं दिया, हमको तो नहीं मिला योजना। शौचालय भी तो बनवा दिए, शौचालय की हमको घर ही नहीं, मकान नहीं, हम तो किरायेदार है, तो किरायेदार को क्या दिया? हमारे तो पैसे वोट लेगा, मेरे घर में 4 वोट है, 4 बंदे को वोट लेगा, मेरे सारी समाज का वोट लेगा, मेरे समाज का एक काम नहीं कर, एक विधवा पेंसिल नहीं बनाई, पेंसिल 60 साल के बंदे की नहीं बनाई, ना बच्चे को स्कूल रखा, ना मेरे समाज को एक कोई पद दिया, ना एक कोई हमको आगे बढ़ने दिया, मेरी वाघेला समाज से, वाघरी समाज से, मेरे देव पूजक से, फिर हम उसको इतना प्यार करने से हमको क्या मिला भाई? उसके साथ हमको कुछ भी नहीं मिला आज तक, और हम बीजेपी कार्यालय में 50 बार जा चुके हैं, तो चिट्ठी लिख लिख के ये इसके पास जाए, इसके पास जाए, इसके पास, ये खाली फ्रॉड चिट्ठी लिख के लोगों को भटकाने का काम करते हैं और कोई काम नहीं करता, ये काम करता सिर्फ बनिए का, मारवाड़ी का और जैन का, और जो बाकी की कौम है ना इसको खाली घुमाते हैं ये लोग। सोनिया गांधी को भाजपा की तरफ से और कई भाजपा समर्थक जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से एक बहुत पुराना बयान आया था कि सोनिया गांधी विदेश से आई दुल्हन है जिसने देश को लूट लिया। नहीं, कौन है सोनिया गांधी? देश सोनिया गांधी देश की हमारी बहू है, बूढ़े लोगों के लिए तो बहू है और मेरे छोटे लोग के लिए तो हम छोटी उम्र वाले के तो मेरी भाभी है, वो मेरी भाभी माँ है, जैसे इंदिरा गांधी माँ थी ना तो ये भी भाभी माँ है, तो इसने तो देश के लिए बहुत अच्छा काम करा, जो सोनिया गांधी ने काम करा मोदी ने एक भी नहीं करा। देखो सोनिया गांधी की सोच, ये मेट्रो कौन लाया था? राजू गांधी और सोनिया गांधी को हनीमून में गया था तो उसने देखा दोनों मेट्रो में बैठा था, तो उसने क्या सोचा, ये राजू गांधी को बोला कि ये चीज़ अपना हिंदुस्तान में देखे तो कितनी अच्छी लगती, तो ये सोनिया गांधी की सोच की मेट्रो है। आज वो हरियाणा में बस आई ना, वो उड्डा सिटी बनाई, ये सोनिया गांधी की सोच की बनाई, ये राजू चौक भी बनाया तो उसके राजू चौक के नाम पे। लोकसभा चुनाव 2024 में आप लोग किसको वोट देने वाले? किसका नाम है राजू, किसका नाम है भाई? देश के पहले दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री गांधी का घर वाले, पूर्व प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री उसने राजू चौक बनाया, किसकी पसंद? राजू की और सोनिया गांधी की पसंद, सोनिया गांधी की पसंद, तो दो तो नाम ये है, हुड्डा सिटी और राजू गांधी। लोकसभा चुनाव 2024 में किसको मतदान करने वाले? पीएम मोदी के वादों पर भरोसा रहेगा या कांग्रेस जो वो बदलाव करने की बात कह रही है उस पर भरोसा? कांग्रेस ने तो देश में बहुत अच्छा अच्छा काम करा पर मोदी उसको बदनाम कर रहा, उसका काम ही है बदनामी, तो उसे अहमदाबाद से बदनामी कर रहे। मैं अहमदाबाद की बात बोलूँ ना तो तुम्हारा बाल है ना अपने आप झड़ जाएगा, खर जाएगा। देखो गुजरात में जितना भी दंगा करता था ना मोदी और आरएस वाले और भावसार करवाते थे और मेरी कौम को बदनाम कराते थे, मेरी वाघरी समाज को कौम से हथियारों देता था, कुछ क्यों देता था, कुछ मिर्ची दे दे, कोई लड़ाई करा दे सारे मुसलमानों के घर में। आज मुसलमान से उम्र इतनी भी नहीं पड़ती कि तुम जब भी झगड़ा होता था तो तुम पहले तो मेरी कौम आती है, पहले मेरी कौम जाती थी लड़ाई करने के, तो मोदी क्या करता था मेरी समाज को राशन दे दे, कुछ खर्चा दे दे, कुछ दारू दे दे, किसी को पैसे अधेले दे दे, फिर उसको क्या करा भाई इसके साथ लड़ो मुसलमान के साथ, लो यहाँ पंगा करना, यहाँ पंगा पड़े, तो उसमें कौन थे? आरएस वाले और भावसार। भावसार कौन है जो भी ये सारा केस बेस बना रहे लोगों के साथ बेफूक बना रहा, ये भावसार, इसमें भावसार में कौन कौन है? गांची, गांची देखो जात बताओ मैं उसको, गांची भावसार और ये बनिया, ये मारवाड़ी, मारवाड़ी तो पता नहीं मारवाड़ी को कहते, फिर ये पंडित, ये पंडित बने सारे, ये सारे मेरी कौम को आगे करके लड़वाते, तो मेरी कौम कितनी है 20,000 से 30,000 करोड़ जनता हो मेरी, 20-30 मतलब करोड़ के ऊपर है, करोड़ के 20-30 30,000 करोड़ तो जनता हो मेरी है ये, तो 30,000 मेरे वोट अभी बोल रहा है, 30,000 मेरे वोट का खर्चा कौन देगा? मेरा एक काम नहीं बना, मेरे समाज का एक काम नहीं बना, एक काम मोदी गिना दे, हमारे बच्चे को नौकरी दे दे, हमारे बच्चे की पढ़ाई लिखाई दे दे, हमारे गुजरात के अंदर सारी सरकारी स्कूल है एक भी नहीं है, सारे गुजराती को हमारे दारू पिला पिला के मारा, मोदी अमित शाह का दारू बिक रहा,
पाउडर का केमिकल का दारू बिक रहा, क्यों बंद नहीं करा? मेरे इलाका में सारे केमिकल का दारू बिक रहे, मेरे बंदे मर रहे, और अमित शाह और मोदी की वो है ना गुजरात का सीएम, वो सारा सामान बेच के सिविल के अंदर सारे बंदे को मार के अमेरिका मोदी के पास भेज रहा, वो जो ओबामा है ना उसके पास भेज रहा, ठीक ओबामा, और दूसरा ये सारा सामान को अप डाउन कर रहा मोदी अमित शाह और ये ओबामा, वो कौन सा प्रधानमंत्री है? ओबामा पहला था, उसके बाद एक और डाबर टप, अब ये दूसरा आया, ये सारा पार्सल करता है। तो सबको कोरोना की बीमारी हुई, मोदी को कोरोना की बीमारी, अमित शाह को भी हो गई, सोनिया गांधी को हो गई, और मोदी को नहीं, मोदी कौन सा टीका खा, कौन सा टीका खाता, कौन योगा करता, कौन ये नाटक करता, कोई योगा वोगा कुछ भी नहीं करता, ये झोली झंडा मांगने खाने वाला है मोदी, उसका काम ही यही है, आग का गोला है, योगा नहीं कर रहा, आग का गोला है, और लंकापति है, लंका जलाने का उसका पैसा, उसका काम है, उसका सबसे सदियों सा है, 28 साल से तो गुजरात में, उसने गुजरात में करा क्या? एक काम बता दे, गुजरात में सारे चोरों को उसने बसा दिया, चोरों को मकान दिया, जो पैसे अधेले वाले को सपोर्ट दे के और पैसे अधेले बनवा दिया, और हमारे गरीब के लिए क्या क्या, हमारे समाज है ना 30 करोड़ जनता के लिए, हमारे एक रजिस्टर बता दे, मैं तुम समाज के लिए मैंने ये काम करा, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं है, इंग्लिश मीडियम चाहिए गुजरात के अंदर, उमेरी समाज की पढ़ाई लिखाई हिंदी और इंग्लिश चाहिए, वहाँ की पढ़ाई जीरो है, मोदी की पढ़ाई है ना गुजरात का देश, उसमें सारे जीरो पढ़ाई है, वो पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं, कोई देश में विदेश में जाए कोई वैल्यू नहीं, इसलिए हमको चाहिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम चाहिए, हमको गुजराती पढ़ाई नहीं पढ़ना, गुजराती पढ़ाई फ्रॉड पढ़ाई है, फ्रॉडों की पढ़ाई है गुजराती, क्यों? क्या लोगों आगे बंदा पढ़ ही नहीं सकता, बंदा आगे काम नहीं कर सकेगा, इंग्लिश मीडियम तो जानता है, हिंदी तो जानता है बंदा, गुजराती आप पढ़ा ले, किसी तेरे मंत्री संत्री को पढ़वा लिए, तेरे कानून मंत्री बैठा, तेरे शिक्षा मंत्री बैठा उसको पढ़ा ले, गुजरात का सारे शिक्षा मंत्री सारे चोर फ्रॉड है, गुजरात के सारे जो MLA सारे चोर फ्रॉड, और जितने जो कहते हैं शिक्षक पढ़ाई लिखाई वाला वो सारे चोर फ्रॉड है, एक भी बच्चे को पढ़ा लिखा नहीं जाता, और जितनी इंग्लिश मीडियम है सारे उसमें अंधा कानून चल रहा, ठीक है, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, ठीक है।